स्टूडेंट क्लास सेवेंथ चैप्टर थर्ड चल रहा था हमारा और हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 13 पर। हमने देखा था कि किस तरह से जो नेचुरल फाइबर है उसको ऑब्टेन किया जाता है। वूल की हमने देखी पूरी प्रोसेस और सिल्क की प्रोसेस हमारी कंटिन्यू थी। अब टॉपिक है फ्रॉम कोकून्स टू सिल्क। जो सिल्क है उसको हम कोकून से किस तरह से गेन करते हैं। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. Silk को प्राप्त करने के लिए हम सिल्क के जो मोथ होते हैं और उनसे फिर जो कोकून तैयार होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर उनसे धागे बनाते हैं। Rearing silkworm, a female silk moth lays hundreds of eggs at a time. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक बार में लगभग 100 अंडे देती है। हंड्रेड्स एग, 100 के करीब अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर। और उन एग को बहुत सावधानी से स्टोर किया जाता है किसी कपड़े की स्ट्रिप्स पर या पेपर पर और फिर उनको जो सिल्क वार्मर सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, जो कि इसी की तैयारी करते हैं, इसी का बिजनेस करते हैं, उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर होते हैं वो उन सभी एग को उनके अकॉर्डिंग जो उनके अनुरूप कंडीशंस होती हैं, सुविधाएं होती हैं और उनके अनुरूप सूटेबल स्थिति होती है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उनको सेफली रखते हैं। द एग्स आर वॉर्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उन अंडों को प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि उसकी गर्माहट से जो एग हैं उनके अंदर से लार्वा निकलता है। दिस इज़ डन व्हेन मल्कवेरी ट्रीज, और इन सबको किया जाता है मल्कवेरी ट्रीज पर, शहतूत के पेड़ों पर किया जाता है। बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। जो लार्वा निकलता है एग से उसी को बोलते हैं कैटरपिलर। वो मल्कवेरी ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनको खाते हैं, वही उनका भोजन होता है। सिल्क वॉर्म, उसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं लार्वा को, और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं यानी सिल्क का कीड़ा। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीजेस इन साइज। स्टूडेंट जो कैटरपिलर होता है यानी कि लार्वा है, लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं और सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं, वो मिल्कवेरी ट्रीज़ पर दिन और रात उन पत्तों को ही खाता है। किसको खाता है? उन पत्तों को ही खाता है। अब स्टूडेंट जरा एक बार यहाँ हम पिक्चर के थ्रू यहाँ देखेंगे। सबसे फर्स्ट में ए में आपको दिखाई दे रहा है फीमेल सिल्क वॉर्म, इसने बहुत सारे एग यहाँ पर दिए। अभी हमने पढ़ा था ना हंड्रेड्स ऑफ एग यानी कि 100 के करीब वो अंडे देती है। यहाँ पर ये एग हमें दिखाई दे रहे हैं सिल्क वॉर्म मौत से एग। सेकेंड आता है मिल्कवेरी ट्रीज, यानी उनको कहाँ रखा जाता है? शहतूत के पेड़ पर। ये यहाँ पर एक अलग से लीव की फ़ोटो दिखाई गई है, लीव ऑफ मिल्कवेरी, मलवेरी। इस तरह से मलवेरी की जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स इस तरह की शेप हमें दिखाई देती है। इस ट्री के बाद में यहाँ पर जब वो अंडे फूट जाते हैं तो उनमें से क्या निकलता है? लार्वा, यानी कि थर्ड स्टेज यानी सी आ गई यहाँ पर लार्वा। और लार्वा जब ये इन पत्तियों को खाते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं ना लीव्स के ऊपर है, और इनको खाते हैं दिन और रात, और खाने के बाद ये क्या करते हैं, एक तरह की प्रोटीन निकालते रहते हैं। वो प्रोटीन इनके ऊपर ही वो लेयर चढ़ जाती है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा वो लेयर चढ़ने के बाद में ये तैयार हो जाते हैं कोकून्स। इनको कोकून्स बोला जाता है। इसके अंदर कैटरपिलर है, ये ऊपर वाइट वाइट कलर की पूरी लेयर चढ़ जाती है और इसी से हम क्या तैयार करते हैं? सिल्क। चलिए अब उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड करेंगे। द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मल्कवेरी लीव्स। जो मल्कवेरी लीव्स को खाते हैं वो फ्रेशली होते हैं, जो लार्वा है उनको हम साफ बम्बू ट्रेज में रखते हैं, वो फ्रेशली चॉप्ड मल्कवेरी लीव्स को खाते हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, लगभग 25 से 30 दिन के बाद
द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। उसके बाद लगभग 25 से 30 यानी कि लगभग एक महीना हो गया बेटा, तो एक महीने तक कैटरपिलर उन पत्तियों को खूब खाती हैं। उनको खाने के बाद वो उनको खाना बंद कर देती हैं और वो टिनी चैम्बर यानी बम्बू के टिनी चैम्बर्स में मूव कर लेती हैं। वहाँ पर वो क्या करती हैं, चैम्बर में मूव करती हैं, तो इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स, वो कोकून्स में से क्या करती हैं, उनको कोकून्स को उतारने लगती हैं। और वो सब किस में आ जाता है, ट्रे में। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। कोकून्स के साथ में छोटी छोटी रैक्स लगा दी जाती हैं जिससे कि वो ट्रे में ही पूरा निकल कर आता है और वो उनके साथ में अटैच रहता है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून्स इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर यानी कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो कोकून के अंदर होता है और ऊपर की जो लेयर होती है उसको बाद में हटा दिया जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून्स के ऊपर का होता है कवर, यानी इसको छिलका भी कह सकते हैं, जो ऊपर का जो छिलका होता है कवर होता है उसी को यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर बनाने में। द कोकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। कोकून्स को सूरज में रखा जाता है, धूप में रखा जाता है या गर्म किया जाता है या उनको स्टीम दी जाती है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और उसमें से सिल्क फाइबर अलग हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। कोकून से सिल्क को अलग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत ही स्पेशल मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाइल अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स। कोकून से सिल्क के जो धागे होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, उनको प्राप्त कर लिया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड। फिर सिल्क फाइबर को सिल्क के धागों में कन्वर्ट किया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। और फिर उन धागों को, सिल्क के धागों को बुना जाता है। जो बुनने वाले कारीगर्स होते हैं वो उनको बुनते हैं और कपड़े को तैयार करते हैं। यानी कि इस तरह से हमने देखा पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई और हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, सिल्क। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं मेनली जो सिल्क है वो सिल्क एग तैयार होने के बाद में लास्ट में ये जो कोकून प्रिपेयर होता है इन्हीं कोकून से हमें सिल्क मिलती है। क्लियर स्टूडेंट, इनके जो ऊपर का कवर होता है ना इसी में क्या होती है, सिल्क होती है। और ये जो सिल्क फाइबर होती है ना बच्चों, ये तरह की प्रोटीन ही होती है, प्रोटीन के द्वारा ही ये बनता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी था, इसी के साथ में आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।